सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइज, लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे टीम कैप्टेरियंस वाले अपनी जो ओरिजिनल रूट्स हैं उनसे दूर जा रहे हैं एंड ऐसे ऐसे गेम्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि एक्चुअली टीम कैप्टेरियंस की जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको ज़्यादा पसंद नहीं आते, जैसे कि हॉरर ब्रॉल हो गया, हॉरर ब्रॉल के कई सारे अपडेट हो गए, इवलन रश, इवलन मेज, ये वो गेम्स हैं जिनके लिए मतलब ऑडियंस उतनी एक्साइटेड नहीं होती है जितना लोग इवलन चैप्टर 1, चैप्टर 2, आइस स्क्रीम और मिस्टर मीट के लिए होते हैं एंड आने वाले टाइम में एंग्री किंग के लिए। तो इस चीज़ का एग्जांपल सबसे बड़ा है डेवलपर एंड ये चीज़ हमको डाउनलोड से भी समझ में आ जाती है, डाउनलोड्स में कितना अंतर होता है कैप्टेरियंस के नॉर्मल गेम्स में और इन स्पेशल गेम्स में जो कि टीम कैप्टेरियंस वाले रिलीज़ करते हैं। मुझे लगता है टीम कैप्टेरियंस ऐसा इसलिए करते हैं कि हर 6 महीने में या फिर साल भर में कोई ना कोई गेम आता रहे, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही हम मतलब थोड़ा सा टाइम ले लें, लेकिन एक ऐसा गेम आना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैप्टेरियंस वालों को ग्रैनी के डेवलपर से सीखना चाहिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो का टाइटल में भी लिखा है। तो आप लोगों ने डेवलपर्स का प्ले स्टोर पर पेज देखा है, उसमें आपको एक भी गेम ग्रैनी के जो ओरिजिनल नॉर्मल गेम्स हैं उनसे अलग देखने को नहीं मिलेगा। यस, मतलब आपको वहाँ पे स्लेंड्रीना, स्लेंडरमैन, द ट्विंस, ग्रैनी चैप्टर 1, ग्रैनी चैप्टर 2, ग्रैनी चैप्टर 3, ये गेम्स देखने को मिलेंगे। एंड इनमें और डेवलपर्स में अंतर क्या है, देखो डेवलपर्स के यहाँ पे जितने भी गेम्स हैं ना, सब कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल रूट है डेवलपर की, जो कि है हॉरर गेम्स, एस्केप करने वाले हॉरर गेम, उनसे जुड़ी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ही अलग गेम लॉन्च नहीं करते जैसा कि कैप्टेरियंस वाले कर रहे हैं फिलहाल। तो ग्रैनी के डेवलपर्स यहाँ पे टाइम लेते हैं बट एक ऐसा गेम क्रिएट करते हैं जो कि डेवलपर्स की जो कैटेगरी है ना, हॉरर कैटेगरी, उसके लेवल का भी होता है एंड अच्छा भी लगता है, लोगों को पसंद भी आता है। बट यहाँ पे कैप्टेरियंस वाले ऐसा कर रहे हैं, मतलब आप सोचो, एक तरफ आप इवलन गेम खेल रहे हो जिसमें आप इवलन से काफ़ी ज़्यादा डरते हो, इवलन काफ़ी स्कैरी लगती है, डरावनी लगती है एंड उससे आप लोगों को एस्केप करना होता है, वो एक अलग ही मज़ा होता है। बट वो मज़ा पूरा ख़त्म हो जाता है जब हम उसी इवलन को हॉरर ब्रॉल गेम में एक फ़नी से कैरेक्टर में, एनिमेशन टाइप कैरेक्टर में देखते हैं एंड बिल्कुल ही उसका जो खौफ है इवलन का वो ख़त्म हो जाता है एंड वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सेम चीज़ हम यहाँ पे रॉड के लिए देखेंगे एंड अभी मिस्टर मीट भी आ सकता है वहाँ पे, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ हॉरर ब्रॉल में। तो या यही मेरा ओपिनियन है भाई इस पर एंड मैंने ग्रैनी का एग्जाम्पल दिया एंड एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे स्कैरी टीचर के डेवलपर्स का। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना एंड आई नो भाई गेम डेवलपर को गेम क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अपनी ऑडियंस के बारे में सोचना छोड़ दें एंड कुछ भी भाई रिलीज़ करें। सो या